नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमारे पास हैवी लहंगा है तो हम उसे कैसे रीयूज करके सिंपल लुक में फिर से स्टाइल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे घर की शादी होती है या हमारी खुद की शादी होती है तो हम भारी लहंगा खरीद तो लेते हैं लेकिन वो फिर दोबारा यूज नहीं होता है और किसी और की यहाँ शादी है तो उतना हैवी हम पहन के जा नहीं सकते हैं और दूसरे के यहाँ की शादी में हमें प्रेजेंटेबल भी देखना होता है। तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, मैं क्या कर सकती हूँ वो नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा तो इमेजिन करके मैं कुछ भी आपको बता दूँगी बट शायद वो उतना यूजफुल ना हो। तो मैं जितना लुक खुद पर क्रिएट करती हूँ मैं सिर्फ आपको वही बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और एक बात और है कि अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा मुझे देख रहा है जिसको किसी भी अच्छे माइक के बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं कौन सा माइक लूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास एकदम क्लियर पहुँच सके। मैं अपनी जान में बहुत तेज़ बोलती हूँ लेकिन अगर सच में कोई ऐसा देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे किसी अच्छे माइक के बारे में बताइए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर आप जब भी कोई हैवी साड़ी लहंगा सूट जो भी ख़रीदने जा रहे हैं तो एक बार उसकी एम्ब्रॉयडरी का, उसके जो बॉर्डर हैं उन हैं, कलर कॉम्बिनेशन है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर मैं बहुत भारी इतना ले लूँ कि मुझे खुद से ना संभले तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप ले लीजिए। और अगर ले लिया है तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, स्कर्ट की बात कर लेते हैं पहले, मतलब लहंगे की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये है लहंगा, ये बनारसी है लेकिन इसकी एक ही खासियत है कि इसमें सीक्वेंस है कि कोई कढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, नीचे थोड़ा सा है, बाकी सब ये बनारसी जो धागे होते हैं गोल्डन कलर के वैसी है लेकिन ये भारी तो बहुत ही है। तो इसको मैं क्या करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है तो सबसे पहले तो आप उस सेम कलर का एक, अगर जिस कलर का इसका बेस है, जैसे मेरे लहंगे का बेस लाल है तो मैंने ये रेड कलर का जो है ये रॉ सिल्क की कुर्ती मैंने सिलवा ली है तो इस पर मैं इसको पहनती हूँ और आप फोटो देख सकते हैं। और सिंपल सा दुपट्टा मेरा किसी और सूट का है, ये आपने अक्सर मेरे 2-3 वीडियो में देखा होगा, ये मेरे किसी और सूट का दुपट्टा है वो मैं ले लेती हूँ उस पर। तो ये तो हो गया एकदम जो है सिंपल एंड क्लासी लुक और अच्छा भी लगता है। थोड़ा छोटा मैंने इसलिए इस कुर्ती को करवाया है, फ़ोटो में देखिए आपकी लहंगे का थोड़ा सा जो है लुक दिखे क्योंकि मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला या सीक्वेंस वाला नहीं है। तो एक तो लुक ये हो गया इसके स्कर्ट के साथ और दूसरा जो है मेरा लहंगा है ये है, ये देखिए आप, ये भी बहुत भारी है लेकिन इसमें भी मैं जब भी लहंगा ख़रीदने जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वाले या बहुत हैवी कढ़ाई वाले लहंगे की बजाय मैं फाइन कढ़ाई ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो लेकिन फिर भी ये है देखिए आप, तो इस पे मैं जो है इसके लिए स्पेशल मैंने जो है ये बनवाया था, ये मेरा ये देखिए स्किन कलर है, ये थोड़ा सा लाइट ऑफ वाइट कह सकते हैं इसको, ये टेसल सिल्क इसको कहते हैं या फिर जो खादी सिल्क के देखा होगा आपने कपड़े हैं उनका एक आप कुर्ती बनवा लीजिए। ये मैंने थोड़ा लंबा बनवाया है क्योंकि मुझे जो है एकदम उस अपने लहंगे की लंबाई जो नीचे का की कढ़ाई है उसको भी छुपाना है, सिर्फ साइड से दिखाना है, तो ये थोड़ा सा कुर्ती लंबा मैंने बनवाया है। और ये मैं इस पर भी पहन सकती हूँ और ये मैं इस पर भी पहन सकती हूँ, तो ये पहनती हूँ इस पर या फिर आप कोई भी स्किन कलर जो है अपने वार्डरोब में एक ब्लैक, एक वाइट और एक स्किन कलर का जो है या गोल्डन कलर की ड्रेस ज़रूर रखिए। जैसे ये मेरा है स्किन कलर का आउटफिट, सॉरी अनारकली है,
और इसको अपने पास अगर आप रखेंगी तो आप किसी भी लहंगे के ऊपर इसको पहन लीजिए, या फिर उस लहंगे के बेस का जो कलर है उस कलर का आप ऊपर कुछ भी सिंपल सी कुर्ती बनवा लीजिए। कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगती है मैं तो कहूँगी, तो कोई भी सिंपल सी कुर्ती बनवा लीजिए, या फिर स्किन कलर का या फिर गोल्डन कलर की कुर्ती बनवा के रख लीजिए, वो किसी भी आपके लहंगे पर चल जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर लहंगा आपका बहुत भारी है तो कुर्ती एकदम एंकल लेंथ तक बनवाइए, जिससे कि सामने से लहंगा ना दिखे आपका, साइड से जो है साइड स्लिट होती है कुर्ती में तो वो साइड से लहंगा दिखे, तो उससे क्या होगा आपकी कढ़ाई भी छुप जाएगी और साइड से जो हल्का हल्का कुर्ती की साइड से दिखेगा लहंगा तो और बहुत अच्छा लगेगा। मैं फ़ोटो सबकी ट्राई करूँगी डाल दूँ आप लोगों के थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये तो दोनों के स्कर्ट का हो गया, अब जो है ब्लाउज की बारी आती है। तो इसका ब्लाउज तो ये है, वो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, ये मैं कैसे यूज़ करती हूँ उसकी भी फ़ोटो मैं आज डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। इसको मैं किसी भी सिंपल से प्लेन से साड़ी पे इसकी मैचिंग बैंगल और ईयरिंग के साथ यूज़ करती हूँ, किसी भी सिंपल कंट्रास्ट हो या फिर इस कलर की भी साड़ी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे इसका ब्लाउज यूज़ करती हूँ, इसका भी ब्लाउज मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास बहुत हैवी है तो इसको जो है बहुत प्लेन से सिंपल सी साड़ी के साथ मैचिंग ईयरिंग और ब्लाउज के साथ यूज़ करेंगी तो होगा। अब दुपट्टे का मैं बता देती हूँ, जैसे ब्लू वाले लहंगे का दुपट्टा है ये मेरा, इसको आपने देखा होगा मैंने बहुत से दो तीन वीडियो में शायद अपनी पहनी है, मैं फ़ोटो डाल दूँगी। तो मैंने जो है इस मेरी इस कलर की अनारकली है इसको बनवाया था स्पेशली मैंने ये कलर, तो इस पर मैं ये दुपट्टा यूज़ कर लेती हूँ, या फिर कोई भी जैसे ये स्किन कलर वाला मेरा मेरी अनारकली है मैं इस पर भी इसको यूज़ करती हूँ तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप दुपट्टे को किसी भी प्लेन अनारकली या प्लेन कुर्ती के साथ जो है इसको पेयर करिए, बहुत अच्छा लुक भी आएगा और आपका यूज़ भी हो जाएगा। तो ये तो हो गई जो है स्कर्ट्स की बात और ब्लाउज की बात, और ये इसका दुपट्टा है जो मेरा रेड वाले का दुपट्टा है, ये है, ये बनारसी है, पूरा बनारसी सिल्क है। तो आजकल तो वैसे भी बनारसी सिल्क का बहुत फैशन है, तो इसको तो मैं किसी भी सिंपल सूट पे डाल लेती हूँ। लेकिन अगर आपका दुपट्टा मान लीजिए बनारसी नहीं है तो भी, जैसे वो मेरा निट का है ये बनारसी, तो किसी भी सिंपल से सूट के साथ आप इसको पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी दुपट्टा तो कहीं भी यूज हो जाता है, मेन प्रॉब्लम आती है स्कर्ट्स की, तो स्कर्ट्स का जो लहंगा होता है नीचे का उसको जो है आप मेरे हिसाब से प्लेन कुर्ती बनवाइए, और अगर आपको बहुत डाउट है तो आप सिंपल सा एक ऐसी कुर्ती बनवा लीजिए लंबी, और ये किसी भी लहंगे पे आप पहनेंगी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ऐसे भी यूज़ करना है जैसे मान लीजिए नॉर्मल जाना है तो आप इस पे कुछ भी सलवार पहनती हैं या फिर प्लाजो या फिर पैंट जो भी आप पहनती हैं, तो इसको डेली वेयर में भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको कहीं स्पेशल जगह जाना है तो इसको अपने लहंगे पर भी यूज कर सकते हो। तो आप अपने पास एक स्किन कलर में या फिर बिस्किट कलर जिसे बोलते हैं या फिर खादी सिल्क में एक कुर्ती बनवा के रख लीजिए, वो आपके सभी जो है लहंगे पे आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं है मान लीजिए कलर अच्छा लगता है, तो जिस कलर का आपका लहंगा है बेस जिस कलर का है उस कलर की एक कुर्ती अपने पास रखिए बनवा के, तो वैसे भी यूज कर सकते हैं। ये तो इन दोनों की बात हो गई। अब है मेरे पास एक लहंगा, ये मैंने खरीदा था 4-5 साल पहले, इसका शायद फैशन चला था आप देख लीजिए। तो इसके साथ मुझे मिला था ये वाला दुपट्टा और ये वाली ब्लाउज, ये बहुत चला था बीच में, देख के आपको लग भी रहा होगा। तो मैंने इसको पहना था अपनी नंद की शादी में, फोटो यहाँ आप देख सकते हैं। तो पहनने के बाद दो बार आई थिंक पहना था इसको मैंने, तो फिर मुझे थोड़ा सा चेंज करने का मन किया तो मैंने इसका जो है इसमें पहले ऐसा बॉर्डर लगा था, देखिए आप, तो क्या हुआ कि एक्चुअली मन क्या किया इसको, मेरी मजबूरी थी निकालना, ये थोड़ा सा कहीं ऐसे ही जल गया था तो अब मैं इसको पहन तो सकती नहीं थी, तो इसको मैंने निकाला। शॉप पे जाके मैंने सेम जो है देखिए आप इस कलर की लेस लेके आई और ये मैंने लगा दिया है इसमें,
लहंगे का वो निकाल के, मुझे इतना आता है स्टिचिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है बट इतना आती है कि मैं अपना स्लीव्स और लेस ये सब लगा लेती हूँ। तो ये मैंने फिर अपने जो है लहंगे में नीचे लगा लिया, और उसके बाद सेम मैचिंग का मैंने दुपट्टा और ब्लाउज, ये मैंने ब्लाउज बनवा लिया और सेम इसी मैचिंग का दुपट्टा बनवा लिया। मैं फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी करके। फिर मैंने ये अपने भाई की शादी में पहन लिया और बहुत उससे भी अच्छा लुक जब ये मैंने पहना था तो ये लग रहा था। तो आप ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपने अच्छे और महंगे कपड़ों को रीयूज़ भी कर सकते हैं और उन्हें नया और सिंपल लुक दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम अपनी शादी में तो या अपने घर की शादी में तो बहुत हैवी पहन सकते हैं, बट अगर किसी बाहर वाले की शादी है या हमें कहीं और बाहर जाना है तो उतना हैवी लहंगा तो हम पहन के नहीं जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा लाउड लगेगा, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये रही आज की वीडियो, थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।